नमस्कार, मैं हूं श्रुति शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज एट फाइव। और इस वक्त की बड़ी खबर, विलफुल डिफॉल्टर्स पर आरबीआई के बाद सेबी ने भी सख्ती कर दी है। सेबी ने विलफुल डिफॉल्टर्स पर कड़े नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक विलफुल डिफॉल्टर्स के सिक्योरिटीज मार्केट से पैसे जुटाने और बोर्ड में रहने पर रोक लगा दी गई है। सेबी ने विलफुल डिफॉल्टर्स के म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज जैसे कारोबार पर भी रोक लगा दी है। अब विलफुल डिफॉल्टर्स को किसी और लिस्टेड कंपनी के कंट्रोल का अधिकार नहीं होगा। विलफुल डिफॉल्टर्स के आईपीओ, डेबिट, एनसीडीज से जैसे पैसे जुटाने पर भी रोक लगा दी गई है। किसी टेक ओवर की हालत में विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफर ला सकेंगे। 25 मई से विलफुल डिफॉल्टर्स के नियम लागू माने जाएंगे। हमारे संवाददाता मनोज धारा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या इसे विजय माल्या कॉन्ट्रोवर्सी इफेक्ट मान सकते हैं? जी बिल्कुल श्रुति, ये बहुत छोटी बात होगी विजय माल्या की, बट ऐसे बहुत सारे विजय माल्या हैं जिनका अभी नाम आना बहुत बाकी है। बट लार्जली जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी खबर बता दी है, इसके अंदर पहले क्या होता था कि बैंक के डिफॉल्टर्स और दूसरे रूट से पैसा रेस कर सकते थे, लेकिन अभी जैसे आपने भी क्लियरली बताया कि यहाँ पे जो मई 25 से लेकर ये नए नियम लागू हो जाएंगे, और यहाँ से लेके आईपीओ के द्वारा एनसीडीज, दैट मीन्स नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और डेट के द्वारा जो एक ऑप्शन खुला था उनको, वो बंद हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया जा रहा है, और यहाँ से लेके विलफुल डिफॉल्टर्स को चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज धारा इस पूरी खबर पर, और इस खबर पर और हमारी नजर रहेगी। बहरहाल रुख करते हैं दूसरी खबर का। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर निशाना साधा है। स्वामी ने आरबीआई गवर्नर राजन पर 6 नए आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि एसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए राजन ने जानबूझकर ब्याज दरें बढ़ाई। स्वामी का आरोप है कि देश में शरिया बैंकिंग की मनाही के लेकर राजन इसको अनुमति देने के पक्ष में है। स्वामी का ये भी आरोप है कि राजन के पास अमेरिकी ग्रीन कार्ड है और वो साल में एक बार इसके रिन्यूअल के लिए अमेरिका जाते हैं। स्वामी का ये आरोप भी है कि राजन पूरी दुनिया में भारत की महत्वपूर्ण सूचनाओं को लीक करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार में महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी बीजेपी सरकार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और स्वामी ने इसके लिए उदाहरण दिया है कि राजन ने इंटॉलरेंस का मुद्दा उठाया है। हालांकि कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया था कि राजन पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान बीजेपी का आधिकारिक बयान बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर शेयर बाजार ने जबरदस्त सलामी दी है। शेयर बाजार आज 2016 के सबसे उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में निफ्टी 50 की मार्केट कैप में 75,000 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है। सेंसेक्स 486 अंक और निफ्टी 135 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। बाजार की तेजी में सबसे ज्यादा योगदान कैपिटल गुड्स इंडेक्स का रहा, और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में करीब 9% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक, रियल्टी, पावर, ऑटो शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के सभी इंडेक्स हरे निशान पे बंद हुए। देखिए साहब, जब मोदी सरकार आई थी तो अपन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंट हो गए थे। अपन अब रियलाइज़ होता है कि हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ बदलना मुश्किल है, लेकिन जो काम सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। इसका इफेक्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मोदी जी को भी थोड़ा टाइम लगा दिल्ली को कैसे हैंडल करने का, सीखने का। आई एम वेरी बुलिश, आई थिंक दे हैव डन गुड एंड द इफेक्ट ऑफ दैट गुड विल बिकम वेरी प्रेविलेंट इन द डेज टू कम। अभी कैपिटल गेन्स का इतना बुरा, इतना खराब झगड़ा था, हर एसएससी पे कैपिटल गेन ठोक देते थे कि भाई आपका कैपिटल गेन नहीं है, बिजनेस इनकम है। उन्होंने झगड़ा खत्म किया ना। इंडिया का एक पोटेंशियल है ना, जहां जहां पे रोड ब्लॉक्स थे, तो देखिए रोड सेक्टर में कितनी सारी चीजें अटकी हुई थी 3 साल के पहले। अभी अपन देख रहे हैं कि ये सरकार ने आके काफी सारा क्लीनअप कर दिया इन रेगुलेशन ऑल्सो,
कोल सेक्टर में प्रोडक्शन अटका हुआ था बिकॉज इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं मिल रही थी। तो ये सब चीज़ों को लेके वो लोग काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं। अभी सबको लगता है जीएसटी पास नहीं हुआ, जीएसटी पास नहीं हुआ। अरे ये कंट्री बिना जीएसटी के भी 60-65 साल से चली रहा है ना। और हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल कैसे वो ही इज रीचिंग आउट टू द कॉमन मैन एट द सेम टाइम रीचिंग आउट टू द इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो कुछ भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस इन द मार्केट एंड द इंडेक्स मूवमेंट, लेकिन अभी मुझे लगता है अभी तो सिर्फ एक ये झलक थी, लेकिन अभी द बेस्ट इज येट टू कम। और अन्य आय के बढ़ने से ONGC के मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12% से बढ़कर 4,416 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3,935 करोड़ रुपए था। चौथी तिमाही में कंपनी की बिक्री करीब 12% गिरकर 16,140 करोड़ रुपए रही है। ONGC के EBITDA में भी करीब 29% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने 3.25 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट मिलने के बाद ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है, लेकिन इसके पीछे साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। एसोसिएशन के मुताबिक पोटेशियम ब्रोमेट को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके पीछे बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इस विवाद के बाद ब्रेड की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। एसोसिएशन के मुताबिक अगर FSSAI की जांच में CSE की रिपोर्ट गलत पाई गई तो वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। रमेश मागो जी, क्या जो FSSAI का आया था कि वो लोग इस दोनों इंग्रेडिएंट्स को बैन करने वाले, क्या उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन लिया है? यस, उसके बाद ही। क्या डिसीजन लिया है? क्या बंद कर देंगे? बंद कर, जब FSSAI ने कहा चलाओ जी, हम चलाते रहे, उन्होंने कहा बंद कर दो, बंद कर दिया। परफेक्ट वेट से हैं आप। सर ये बताइए कि जो सेल्स की बात थी कि सेल्स डाउन हुआ, कई जगह बात आ रही थी कि काफ़ी सेल्स इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से डाउन हुई, कितना डाउन हुआ है और क्या? 20-25% तक फर्क पड़ा है, और क्योंकि कंज्यूमर के माइंड में कन्फ्यूजन तो क्रिएट हुआ है, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम वॉलंटरी भी और FSSAI ने भी बैन कर रहे हैं। हम करके इसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू और अपना कंज्यूमर को अवेयरनेस कराएंगे और अपना दोबारा से रिवाइव करेंगे। सर जो रिपोर्ट आई, आप प्रेसिडेंट हैं, आप लोग कोई इस पर लीगल एक्शन लेंगे या बताएंगे कि क्या करना है? यस, अगर गलत रिपोर्ट निकलेगी और हम बाकी फंसाए अपने लैब से, अगर फंसाई, अगर फर्स्ट आप फंसाए की रिपोर्ट के ऊपर हम अपना रिलाई कर रहे हैं। हम फंसाई के चेयरमैन CEO साहब से भी हम मिलने जा रहे हैं, 5 बजे का टाइम मिला हुआ है। अगर उनकी लैब में अगर गलत पाया गया, उनके द्वारा चेक करके वो गलत साबित कर देते हैं और उसका एक सबूत मिल जाता है, तो हम जरूर CSE की अगेंस्ट जाएंगे। डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने SEBI को जवाब सौंप दिया है। 16 मई को भेजे अपने जवाब में NSE ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की जांच पर ही सवाल उठाए हैं। NSE ने कहा है कि जांच में काफी खामियां हैं और इसकी जांच रेगुलेटर या इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए। NSE ने साफ किया है कि एक्सचेंज के किसी ऑफिसर ने ब्रोकर्स को फायदा नहीं पहुंचाया है। NSE ने यह भी कहा है कि जिस समय की बात हो रही है उस वक्त एल्गो ट्रेडिंग को लेकर कोई खास नियम नहीं थे। आपको बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज पर आरोप है कि उसने डार्क फाइबर यानी खास केबल के जरिए कुछ ब्रोकर्स को फायदा पहुंचाया था। और RBI गवर्नर रघुराम राजन ने चीन के स्लोडाउन को ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिरता के लिए खतरा बताया है। राजन ने कहा है कि भारत की स्थिरता के लिए बेहतर पॉलिसी की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि बेहतर पॉलिसी के जरिए हम विदेशी खतरों को कम कर सकते हैं। राजन ने कहा है कि बेहतर फॉरेक्स मैनेजमेंट से करेंसी में उतार चढ़ाव कम हुआ है, लेकिन करेंसी में ज्यादा उतार चढ़ाव होने पर RBI दखल देगा। उन्होंने कहा है कि वित्तीय घाटे को लेकर उठाए गए कदम का असर हुआ है, साथ ही बेहतर फूड मैनेजमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी से महंगाई काबू में है। राजन ने यह भी कहा है कि बैंकों के बैड लोन के खिलाफ चलाए जा रहे क्लीनअप ड्राइव का असर भी जल्द दिखेगा। और सूत्रों के हवाले खबर मिली है कि रिलायंस जियो और रिलायंस कम्युनिकेशंस अब 7 सर्किल में स्पेक्ट्रम शेयर करेंगी। इन सर्किल में रिलायंस जियो के पास 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नहीं था। रिलायंस जियो ने इन सर्किल में रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ 2.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग की थी।
दोनों कंपनियां अब 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों कंपनियां अब इसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए 4G सेवाएं दे सकती हैं। जिन 7 सर्कल में स्पेक्ट्रम शेयरिंग हुई है उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, यूपी ईस्ट, केरल और पंजाब शामिल हैं। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच डिफेंस क्षेत्र में समझौता हो सकता है। अमेरिका ने पीएम मोदी की यात्रा से पहले भारत के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा डिफेंस क्षेत्र में अन्य समझौते होने की भी उम्मीद है। अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया निशा देसाई बिस्वाल ने कहा है कि डिफेंस सेक्रेटरी एश्टन कार्टर की भारत यात्रा के बाद दोनों देश डिफेंस समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिस्वाल के मुताबिक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के जरिए दोनों देशों की मिलिट्री फोर्सेस एक दूसरे के बेस को रीसप्लाई और रिपेयर के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने निमंत्रण पर पीएम मोदी 7 जून को अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, जहां व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात ओबामा से होगी। जाट आरक्षण के फैसले पर हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका है। जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने के मनोहर लाल सरकार के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। ये याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी। 29 मार्च को हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण की बिल पास हुआ था और जाट आरक्षण बिल में जाट के अलावा जाट सिख, मुस्लिम जाट, रोड, बिश्नोई और त्यागी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। स्वशिक्षण संस्थाओं के अलावा क्लास 3 और 4 की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा।